हेलो फ्रेंड्स, एनिमल वर्ल्ड चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चींटियां हमेशा लाइन में क्यों चलती हैं? वेल, अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिल सकते हैं। दोस्तों, चींटियां इस प्लेनेट पे सबसे कॉमन इंसेक्ट है जो शायद आपको हर घर में या हर बिजनेस में देखने को मिलेगा। इस प्लेनेट पे चींटियों की 10,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। दोस्तों, चींटियां एक सोशल इंसेक्ट है और ये बड़े बड़े ग्रुप्स में रहते हैं, जिनमें से एक क्वीन एंट होती है और काफ़ी वर्कर एंट्स होती हैं जो भोजन लाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। दोस्तों, साइज में इतना छोटा होने के बावजूद भी इनमें काफ़ी खूबियाँ होती हैं, तो चलिए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एंट्स। नंबर वन, दोस्तों, चींटियों का लाइन में चलने का मुख्य कारण होता है कि वह एक केमिकल को फॉलो करती हैं जिसे फेरेमोन्स कहते हैं। जब एक वर्कर एंट को कोई भोजन मिलता है तो वह वापस अपनी कॉलोनी में जाते टाइम उस केमिकल को प्रोड्यूस करके रास्ते में गिरा देती है। इसी तरह बाकी चींटियाँ उस केमिकल को फॉलो करती हुई उस भोजन तक पहुँच जाती हैं। नंबर टू, दोस्तों, चींटियां वास्तव में एक स्ट्रॉन्ग इंसेक्ट है। उनके पास अपने बॉडी के वजन से 10 से 50 गुना ज़्यादा वजन उठाने की क्षमता होती है। एक चींटी कितना वजन उठा सकती है ये उनकी स्पीसीज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, एक एशियन वेवर एंट अपने बॉडी के वजन से 100 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है। नंबर थ्री, दोस्तों, चींटियों की बॉडी में लंग्स नहीं होते हैं। बहुत छोटे आकार में होने के कारण इनके पास हमारे जैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, लेकिन इनके पास ऑक्सीजन लेने का अपना ही तरीका होता है। चींटियां स्पाइरकल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेती हैं जो इनकी बॉडीज़ के किनारे में छोटे होल्स के टाइप में मौजूद होते हैं। नंबर फोर, दोस्तों, चींटियों के दो स्टमक होते हैं जिनमें से एक स्टमक को वह अपने लिए यूज़ करते हैं, जिनमें वह फूड स्टोर करती हैं, जबकि दूसरा स्टमक वे दूसरी चींटियों से फूड शेयर करने के लिए करते हैं। इस प्रोसेस को ट्रोफिलेक्सिस कहते हैं। नंबर फाइव, दोस्तों, बुलेट चींटी का डंक दुनिया में सबसे दर्दनाक डंक माना जाता है। नंबर सिक्स, दोस्तों, एंटार्क्टिका को छोड़कर पृथ्वी के हर कॉन्टिनेंट में चींटियाँ पाई जाती हैं। नंबर सेवन, दोस्तों, चींटियों की दुनिया में बुलेट चींटी को सबसे बड़ी चींटी माना जाता है जो कि पैनामा जंगल में पाई जाती हैं। इनकी ग्रोथ 1.6 इंचीज तक जाती है। नंबर एट, दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया बुलडॉग एंट को अब तक की सबसे खतरनाक चींटी माना गया है। नंबर नाइन, दोस्तों, आर्मी एंट्स घोंसले में नहीं रहती हैं, ये चींटियाँ हमेशा चलती रहती हैं और ये ज़्यादातर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। नंबर टेन, दोस्तों, अधिकांश चींटियों की प्रजाति में हर कॉलोनी में केवल एक क्वीन एंट होती है, जबकि रेड इंपोर्टेड फायर एंट की प्रजाति में दो क्वीन एंट्स होती हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।